कांग्रेस ने हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए कैंडिडेट की लिस्ट को लगभग फाइनल कर दिया है। दिल्ली में हुई 6th स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 18 नामों पर चर्चा की गई। इस लिस्ट में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का 2 सीटों अंबाला और सिरसा सीट पर नाम दिया गया। हालांकि इन नामों की घोषणा कब होगी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बता दें कि कमेटी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया, हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल सीट के लिए विशेष रणनीति बनाई है। पार्टी के नेता इस सीट से ब्राह्मण कार्ड खेलने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही हरियाणा की लोकसभा सीटों पर जिन उम्मीदवारों पर चर्चा हुई उनमें गुरुग्राम लोकसभा सीट से सुभाष यादव, कैप्टन अजय यादव और जितेंद्र भारद्वाज का नाम संभावित पैनल में शामिल किया गया है। इसके साथ ही बात रोहतक सीट की करें तो यहां से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का ही नाम भेजा गया है। ऐसे में उनका यहां से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही सिरसा सीट की बात करें तो यहां से कुमारी शैलजा, जरनैल सिंह, चरणजीत सिंह रोड़ी और शीश पाल का नाम शामिल किया गया है। अंबाला लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से भी कुमारी शैलजा और विधायक वरुण मुलाना का नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली हिसार से पूर्व IAS अधिकारी चंद्र प्रकाश, पूर्व डिप्टी CM चंद्रमोहन विश्नोई और भाजपा छोड़कर आए ब्रजेंद्र सिंह का नाम शामिल किया गया है। इसके साथ ही फरीदाबाद सीट से करण दलाल और महेंद्र प्रताप का नाम शामिल है। वहीं बात CM सिटी करनाल की करें तो कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा और वीरेंद्र वशिष्ठ के नाम शामिल किए हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी और राव दान सिंह का नाम भेजा गया है। बता दें कि हरियाणा की लोकसभा सीटों के पैनल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में इन नामों पर चर्चा के बाद अभी से पार्टी हाईकमान के पास भेज दिया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो अब 4 अप्रैल को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में पैनल के संभावित नामों पर आलाकमान अपनी मोहर लगाएंगे। इसके बाद ही कांग्रेस लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। इसके साथ ही इस बार हरियाणा कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट में देरी की पहली वजह ये बताई जा रही है कि पार्टी के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव से किनारा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी जैसे दिग्गज चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में नए चेहरों को लेकर पार्टी हाईकमान दुविधा में रही। दिग्गजों की इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि हरियाणा में लोकसभा के तुरंत बाद ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों का परिणाम हरियाणा में विधानसभा चुनावों को पूरी तरह प्रभावित करेगा। वहीं कांग्रेस हाईकमान का कहना है कि सीनियर नेता लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ें और विधानसभा को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा। वहीं हरियाणा कांग्रेस में परिस्थितियां अन्य दलों की उपेक्षा काफी उलट हैं, क्योंकि सूबे के नेताओं में गुटबाजी चरम सीमा पर है। यही वजह है कि पार्टी में यहां 2 गुट बने हुए हैं। इसके बाद हाईकमान ने तय किया है कि लिस्ट में जितनी देरी होगी विवाद उतना ही कम होगा। इसके साथ ही हरियाणा में कांग्रेस की ये परंपरा भी रही है कि यहां नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले तक भी प्रत्याशी घोषित किए जाते रहे हैं।